देश के राष्ट्रीय संपत्ति को नरेंद्र मोदी औने पौने दाम में बेच रहे हैं। इसी निजीकरण और मौद्रीकरण के नीति के खिलाफ में जन अधिकार पार्टी आज पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के सामने में धरना और प्रदर्शन देने का काम किया है। हम लोग ये मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर के माध्यम से कि सरकार को इस फैसले को रद्द करना चाहिए। अगर यह फैसला रद्द नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जनाधिकार पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतर करके आम जनता के हक में इस फैसले को वापस कराएगी। निजीकरण के माध्यम से देश को और देश की आत्मा को मोदी सरकार बेचना चाहती है। चंद पूंजीपतियों की गुलामी में देश का, देश के लोगों का और 125 करोड़ के लोगों की जिंदगी को तबाह करने में मोदी सरकार फिलहाल कामयाब है। और आज हम अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी, अलग अलग जात, अलग अलग संगठन में बटे हुए हैं, इसलिए कि सत्ता में बैठे लोगों को ये बात पता है कि हम जात के नाम पर बटेंगे। चुनाव आते ही हम जनता नहीं बचेंगे, हम गरीब नहीं बचेंगे, हम प्रताड़ित नहीं बचेंगे। हम कोई हम में से मुसलमान होगा, कोई हम में से हिंदू होगा, उसके बाद भी कोई यादव, फिर तमाम तरह की जातियों में बटना, और जात का आंकड़ा उनको पता है, जात का खेल पता है। इस वक्त मैं बिहार और देश की एक एक जनता से आह्वान करूंगा कि आप जिस भी जात के हैं, आप जात से बाहर निकल के आइए और मुल्क में और राज्य में बैठी सरकारों से ये सवाल कीजिए कि आखिर कब तक हम प्रताड़ित किए जाएंगे। इस मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगा हुआ है, इस मुल्क में गैस सिलेंडर के कीमत में आग है, घर के रसोई में, किचन में आग लगी हुई है, गरीबों के पेट में आग लगी हुई है, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। न बोलने के मकसद, विपक्ष आरामगाह में बैठा है, एसी से बाहर नहीं आना चाहता है, संघर्ष नहीं करना चाहता है। आम जनता कहती है कि हम लोग आंदोलन में कहाँ जाएंगे, हम क्यों किसी के खिलाफ आंदोलन करें। याद कीजिए आज से 74 साल पहले, अगर लोग आंदोलन को नहीं आते, अगर जनता सड़क पर नहीं आती तो सरकार में बैठे गोरे देश को छोड़कर नहीं जाते। आज ठीक उसी तरीके से सरकार में बैठे चोरों को भगाने के लिए जनता को सड़क पे आना होगा।